स्वागत करती हूँ दोस्तों। आज ही मैंने शाम के स्नैक में ये आलू और पनीर के बहुत ही ईजी और टेस्टी सी नगेट्स बनाए थे, तो आइए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमने ये आलू लिया था, ये चार उबले हुए आलू हैं जिनको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। और ये हमने पनीर के कुछ क्यूब्स काट लिए हैं पनीर नगेट्स के लिए, ये देखिए हमने बड़े बड़े क्यूब्स काटे हुए हैं। तो आइए हम इन आलुओं का मसाला तैयार करते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस को हमने ऑन कर लिया है और इसमें 2 चम्मच हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तो हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा आधा चम्मच और आधा चम्मच साबुत धनिया ये और 1 तेज़पत्ता, इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। और हम डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक और मिर्ची। मैश किए हुए उबले आलू डाल देंगे। आलू को डालने के बाद हम कुछ मसाले डालेंगे, ये धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर हल्की सी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा रख सकते हैं। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर हम डालेंगे इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए, और हल्का सा हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। अब इन सभी मसालों को हम इसमें अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे इस तरीके से। ओके, ये देखिए हमने आलू मसाला अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया फ्लेवर के लिए, और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया है। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है। अब आप इसी तरीके से 1-2 मिनट के लिए और इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाला हमारा भून चुका है और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम एक पेस्ट बना लेते हैं इसको डिप करने के लिए इस मसाले को। तो आप इसके लिए या तो कॉर्नफ्लोर या फिर मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, तो इसका अब हम एक पतला सा पेस्ट बनाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा मोटा या फिर गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हल्का पतला होना चाहिए। तो आइए हम इसे बनाते हैं। तो हमने ये कॉर्नफ्लोर में अपने थोड़ा सा पानी ऐड करा, हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे जिससे इसमें गांठें ना पड़े। हम इसे लगातार इसे चलाते हुए इसका एक बैटर बना लेंगे जिससे इसमें लम्स ना रहें, गुठलियाँ ना रहें बिल्कुल भी। अभी ये थोड़ा गाढ़ा है, हम इसे बिल्कुल अभी चलाते ही रहेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर बन के बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना ये पतला है। और इस इतने बैटर बनाने में हमें सिर्फ आधा गिलास पानी का इस्तेमाल किया है हमने। तो अब आइए हम अपने आलू के टिकिया बना लेते हैं अपने पनीर नगेट्स को। तो आइए बनाते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से आलू की गोली ली है, इसका हमने एक अच्छे से इस तरीके से चपटा बना लिया। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे और इसके ऊपर से हम थोड़ा आलू और लगा देंगे जिससे ये पनीर पूरा कवर हो जाए इस तरीके से। देखिए हमें इस पनीर को पूरा कवर करना है, थोड़ा आलू और हम लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी खाने में बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे स्नैक के लिए तरह तरह से यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पनीर पूरा कवर हो गया है। अब इसको हम अच्छे से सर्कल शेप दे लेंगे गोला, ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसी तरह हम अपने सारे नगेट्स को तैयार कर लेंगे पनीर नगेट्स को। तो इसे हम रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सारे इस पनीर के अंदर भर के इसको बना लिया है इसका एक गोल आकार में इस तरीके से। अब हमने जो बैटर बनाया था उसमें डिप करके हम इन्हें ब्रेड क्रम में लपेटेंगे। ब्रेड क्रम आप, मैंने 4 ब्रेड का बनाया है। अब ब्रेड लेके मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस के आप आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। तो आइए हम इन्हें तैयार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे इस तरीके से इसमें डिप कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से। और इसको डिप करने के बाद हम इन्हें ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से लपेट देंगे इस तरीके से, जिससे इसकी कोटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। हल्का हल्का प्रेस कर देंगे इसे, हम दबा देंगे जिससे ये बराबर दबे रहें। और इसे हम इस तरीके से प्रेस करते हुए, ये देखिए कितने खूबसूरत हमारे ये नगेट्स लग रहे हैं। अभी हम इन्हें एक तरफ रख देंगे और इसी तरह हम अपने बाकी भी नगेट्स बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन्हें सब ऐसे तैयार कर लिया है इस तरीके से ब्रेड क्रम्स इस पर लपेट के। तो आइए हम इन्हें फ्राई करते हैं। कढ़ाई में हमने तेल लिया है, इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे कुछ समय के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, तो हम इसमें अपने नगेट डाल देंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये पूरे बिखरने लगेंगे और पूरा बेकार हो जाएगा।
और आप इसे चाहे डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसे सेल्फ फ्राई भी करके आराम से इसका एंजॉय कर सकते हैं। तब इसे हम बारी बारी डाल देंगे इस तरीके से। ये जो हमारे हल्के ब्रेड्स निकल रहे हैं उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रेड जो एक्स्ट्रा हैं वही निकल रहे हैं, बाकी सब निकल गए हैं उसमें। तो इसलिए हम अच्छे से फ्राई होते होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे नगेट्स कितने अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अभी नहीं, हम गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। आपके बच्चे, आपके घर में, आपके परिवार फैमिली मेम्बर्स इसे ज़रूर पसंद करेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए और हमें कमेंट में ज़रूर भेजा करिए फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत किया करिए, पूरी वीडियो देखा करिए। और इसे हम ऐसे ही ब्राउन गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कलर ले रहा है, तो इसे हम ऐसे 2-3 मिनट तक और ही फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे जिससे ये अच्छी तरह से क्रिस्पी रहे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है। इसे मैं कांटे चम्मच से मिला रही हूँ, चला रही हूँ, जिससे मुझे इसको पलटने में आसानी रहे। ये देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे और अपने बाकी की नगेट्स को इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अगला बैच भी डाल दिया है इसमें। अब इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तैयार करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना क्रिस्पी है। देखिए इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आपको हमारी पनीर नगेट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हमारे चैनल निशा की पनीर रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसे अपने घर पर शाम के समय, इवनिंग के समय, स्नैक टाइम में आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएँ कि ये कैसे लगे आपको। और एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल निशा की प्यारी रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो दिखा सकें। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिलती रहे। धन्यवाद।